मैं पहले ये कहती थी कि नहीं फैमिली में करनी है, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि लोग लिटरली बदवाओं पे उतर आए थे कि भाई आप लोग बात नहीं छुपा रही, मैं देख रही हूँ अल्लाह खैर कर। मलाइका अरुषा के साथ भी मलाइका का असल में है एज की बड़ी क्यों लगती है और बच्ची बनने की कोशिश करती है। शादी का कब तक प्लान है? खुश रहो बच्चे खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, Q&A वीडियो। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो आप मोस्टली कमेंट्स बॉक्स में पूछते रहते हो, उसके आज हम लोग आपको आंसर्स देंगे और बिल्कुल 100% ऑनेस्ट और ट्रू आंसर्स होंगे इंशाल्लाह ताला। और कल हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दी थी, उसमें भी काफी आपके क्वेश्चंस आ गए थे और आज हमने लगाई थी जनाब अभी शाम को ही लगाई है यूट्यूब के ऊपर, मैंने एक कम्युनिटी टैब में लगाई थी, तो कुछ क्वेश्चंस वहां से हम लेंगे। चले जी जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो मुकद्दस से मैं करूंगी और उतने क्वेश्चन वो मेरे से करेगी जो कि आप लोगों ने पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब कौन करेगा? पहले मैं कर ली, पहले मुकद्दस करेगी। चलिए जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, ठीक है? सबसे पहला सवाल ये है कि आप मुकद्दस से इतना प्यार क्यों करती हैं, अपनी बाकी भांजियों भतीजों से क्यों नहीं करती? अच्छा, इसका जवाब पहले बहुत दफा मैं दे चुकी हूँ कि मुकद्दस और हम जाहिर है पहले एक ही घर में होते थे, ये ऊपर वाले पोर्शन में होते थे, तो वो जाहिर है जिनके साथ आपने पूरा दिन गुजारना होता है तो वो थोड़ा सा रिलेशन जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, टाइम गुजरा होता है, उसको मेरी पसंद नापसंद पता है, मुझे उसका पता है, तो वो थोड़ा सा और है। बाकी ये आप लोग थोड़ा सा वो करते हो, मेरी शुरू की वीडियोस देखो, मैंने मलाइका अरुषा के साथ भी वीडियोस की हुई है। मलाइका का असल में है कम लुक्स है मेकअप की, क्योंकि उसको शुरू से इंटरेस्ट जो है वो शूटिंग की तरफ है या वो ज्यादा जो है वीडियो एडिटिंग की तरफ था उसका शौक, लेकिन मेकअप का जो है वो अरुषा का था। अरुषा के साथ भी मेरी कितनी वीडियोज है, लेकिन अब क्योंकि हमारे घर थोड़ा दूर हो गया, डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा है। और नंबर दो बात, जो मैं इंस्पायर्ड मेकअप लुक्स करती हूँ ना, उसके लिए तो लिटरली आपको ना किसी फेस को ना जैसे याद करना पड़ता है ना। अब मुझे पता है कि मुकद्दस के फेस के ऊपर अगर मैंने जिस तरह सारा का मेकअप करना है या आयजा खान का मेकअप करना है या अभी जिस तरह इकरा का मेकअप किया था, तो मुझे पता होता है कि मैंने इसके आईब्रोज कितनी फील करनी है। ज्यादा वो जब फेस चेंज होता है ना, तो वो एक तरह से ना टोटल वो नया मतलब करना पड़ता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो इसलिए मुझे अब आसान लगती है लुक्स इसके फेस के ऊपर करनी, तो मैंने जब भी लुक करनी होती है तो मैं इसको बनाती हूँ। बाकी प्यार का वो चीज मत किया करें, माशाल्लाह मुझे जहां पे मुकद्दस है वहीं पे अपनी बाकी सारी भालियां और भतीजी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं मुकद्दस से करूंगी कि मुकद्दस ने अपना वेट कैसे लूज किया है, क्योंकि जो तुम्हारी स्टार्ट की वीडियोस है उसमें तुम्हारा वेट मुकद्दस बहुत ज्यादा है, और अभी तुमने क्या किया, जो तुमने डाइटिंग मतलब कितनी टका के की है और क्या डाइटिंग की है? बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग की थी एक दफा और उसके फिर मुझे रिजल्ट्स मिले थे, लेकिन फिर इसका नुकसान ही होता है कि आपके फौरन वजन फिर बढ़ जाता है, ठीक है? तो कुछ टिप्स वगैरह थी जो मैंने ली थी डाइटिशियन खतीजा से, क्योंकि हमें काफी चीजों का नहीं पता होता, वो एक बहुत अच्छी डाइटिशियन है, बहुत ज्यादा टच में रहती है, बहुत ज्यादा बताती मुझे है आपको। मुझे भी हाँ, सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, मुझे भी तुम्हारी मामा ने डाइटिशियन खतीजा का बताया, और आजकल जो आप लोग कह रहे हैं ना कि अभी आप क्या कर रही हैं कि आपका भी वजन कम हो रहा है, तो उनसे ना मैंने सिर्फ मतलब पूछा था इंस्टाग्राम के ऊपर ना कि भाई मेरा काम है बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे, तो मैं क्या करूं क्योंकि मैं ना डाइटिंग नहीं कर पा रही और ये, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से वो गाइड कर दिया, वो सिर्फ ये नहीं कि डाइट प्लान दे के फारिग हो जाएंगे, वो डेली टच में आपके रहेंगी, वो डेली हाँ पूछती हैं कि किस चीज का कितना है फायदा, आपका वेट डेली वो करवाती हैं, मतलब सारी वो चीज सुबह से शाम तक मोटिवेट भी करती हैं। हाँ, मोटिवेट भी मेरे जैसे लोगों के लिए जो दो दिन बाद कहते हैं क्या फायदा डाइटिंग का। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि हर दिन जो है ना पहले से डिफरेंट होता है, आप हर दिन जो है वो एक ही डाइट में जिस तरह हमने कहीं जाना होता है वो, उनकी ना एक टिप मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि मैंने उनको कहा कि मैं ना स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि मुझे जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर होती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आती, मुझे ये करता है मुझे क्रेविंग बड़ी बुरी होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हर वक्त इतना एक बाउल जो है वो अपना रेडी करके रखा करें इन इन चीजों का, इनमें फाइबर भी अच्छा है कि आपकी मतलब हेयर के लिए और वो भी अच्छी है, तो मुझे उनकी टिप्स बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी अगर आप लोग जानना चाहें तो लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, उनका मोबाइल नंबर भी है, जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और ट्रांसफॉर्मेशन देख के ना और 1 लाख हमने यही सोच के, और दूसरा काफी यूट्यूबर्स ने उनकी तारीफ भी की हुई थी, जिन यूट्यूबर्स को अक्सर मैं देखती हूँ, तो वहां से देख के और कुछ उनके फॉलोअर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई हुई है, उससे मोटिवेट होके ज्यादा फिर मैंने उन्हें फिर मैसेज, और मैंने भी अब शुरू किया, लेकिन मतलब मुझे 1 वीक में ना मेरा 3 kg वेट कम हो गया,
1 week में लिटरली, और बगैर किसी डाइटिंग के, सिर्फ मैंने ना वो चीजें जो है वो अपनी, अच्छा उन्होंने मोटिवेट बहुत अच्छे से किया, ये नहीं मुझे खुद माशाल्लाह से नॉलेज है इन चीजों का, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके अंदर ना वो चीज खत्म हो जाती है, एक दफा आप थक जाते हो मेंटली बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने जितना मुझे मोटिवेट किया ना कि आप ये करें ये कर सकते हो, तो उससे बड़ा अच्छा। अच्छा अब ये छोड़ो, इस क्वेश्चन को आप छोड़ो, लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब सबने ये कहा है कि मुकद्दस ने डाइटिंग करके वेट तो कम कर लिया है, बट उसका जो रंग है वो बड़ा काला हो गया, और लिटरली दे वर सेइंग वन स्पेसिफिक वर्ड फॉर योर फेस, आई डोंट वांट टू मतलब कॉल यू विद दैट नेम। तो अभी मुझे बताओ कि तुमने क्या किया, मतलब फेस जो है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया उसके लिए। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इसलिए भी आप लोग कह रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बाहर जाती हूँ, कॉलेज स्कूल वैसे भी बाहर जाना होता है, और और वो अपने रिक्शे वाले की भी स्टोरी, रिक्शे वाले मेरे को उसका क्रेडिट जाता है कि वो घंटा लेट आते हैं, और गर्मी में मैं सड़ ही होती हूँ लिटरली। मैं अब जाके मैंने यही सुन के काफी काली होगी और स्टफ, मैंने ना अपना वो मतलब फेस कवर करना शुरू किया है, कुछ से बचाने की कोशिश की है, नहीं तो अब इतने 6 घंटे बाद पागल हुए होते हैं, आपको नहीं होश होती कि अब मैं जाऊं और मैं दुपट्टे लेके या वो कैप्स पहन के जाऊं और फिर मैं अपने रिक्शे वालों को ढूंढू, ये भी अच्छा, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैं फिर तुम्हारी बात करती हूँ, मैं आपको ना क्लियर करके बताती हूँ कि मुकद्दस के फादर जो काम करते हैं उनकी अपनी शॉप है, मतलब अपना बिजनेस करते हैं, वो डे टाइम में असल में फ्री नहीं होते, और वो जो रिक्शे वाला जो उनके एरिया में मतलब सब बच्चियां उधर से कॉलेज से आती हैं, तो वो थोड़ा सा ना लेट स्कूल लेता है पिक करता है। अब गर्मियों में ना ये भी होता है, वो इतना लेट लेता तो नहीं है, लेकिन वो टाइम जो 1 आवर का या आधे घंटे का ना वो आपको डबल लग रहा होता है। और माशाल्लाह से ना वैसे मुकद्दस के हैंड, क्योंकि वो जाहिर है बाहर सन में आपने कॉलेज का इतना वो होता है डिस्टेंस पहले वो करना होता है, गेट तक अभी आके आपको काफी देर जब वेट करना पड़े, और माशाल्लाह से इसकी स्किन बहुत ही डेलिकेट भी है, तो उससे वो 5 से 10 मिनट्स ही काफी हो जाते हैं, हालांकि केयर भी करती है, तो वो उसमें मत लिया करें। आप लोग मुझे हमेशा कहती है, बल्कि ये तीसरा सवाल तुम्हारा ये है कि तुम्हारे हाथ काले क्यों है, तो उसका यही जवाब है कि भाई इसकी माशाल्लाह जो आम है वो बहुत ही वाइट है, लेकिन आगे से हाथ जो है वो काले होते हैं, क्योंकि वो ऊपर जो है वो, हम भी ऐसे होते थे जब कॉलेज जाया करते थे, तो कोई नहीं माशाल्लाह इस एज में यही होता है। हमने इकट्ठे 3 सवाल पूछे, मैं आपसे 3 सवाल अब पूछूंगी। चलिए, हम दोनों से सवाल है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में एक चीज जो सबसे ज्यादा पसंद है, आप बताएं। मुकद्दस का नाम मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि ये बहुत सबर वाली है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सबर वाली है, ये मुझे इसकी चीज बहुत अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगता है खाला मुझे अच्छा लगता है, ढूंढ रही है, देखिए कितना टाइम ले रही है। मैं सोची मैं कौन सी वाली बताऊं, एक बतानी है, आपने सबर चूज किया है, ठीक है। हाँ, मैं बताती हूँ, आप काफी ज्यादा ना लोगों के बारे में मतलब आप बहुत समझदार हैं, पहली बात बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में, तो आपको फौरन पता चल जाता है कि कोई बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, और एक उसी के पैरेलल मुझे बहुत पसंद है कि आप बहुत मतलब खुले दिल वाली है। ये तो सभी कहते हैं, ये मुझे बहुत पसंद। तो अभी बस एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये हम दोनों से था। आपका दूसरा सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा, आपका दूसरा सवाल है, आप इतनी स्ट्रिक्ट क्यों? अच्छा, स्ट्रिक्ट मुझे बहुत ज्यादा आते हैं, कमेंट्स भी आप लोग करते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं बच्चों की, बाकी मैं बच्चों की ना परवरिश को लेकर उनकी तरबियत को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हर इंसान के पता है कुछ असूल होते हैं, तो अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है मैंने शुरू से बच्चों को ना जिस तरह रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो नहीं ना सारे माशाल्लाह से तारीफ करते बच्चों के, मतलब मैं कॉलेज जाती हूँ, उनके टीचर्स, हर फैमिली का बंदा जो है उसको माशाल्लाह से मेरे बच्चों का पता है, तो वो चीजें फिर थोड़े सा ना आपके कुछ असूल होते हैं, मेरे ये असूल थे, तो वो चाहे आपको मुझे स्ट्रिक्ट के या कुछ भी के, वो सबको पता है, वो तो सबको पता है, उसमें कोई नहीं है। आपकी हाईएस्ट और लोएस्ट यूट्यूब अर्निंग क्या है? मुझे दोनों नहीं याद, लेकिन मैं ना राउंड अबाउट फिगर बता देती हूँ। लोएस्ट तो मुझे याद है कि आई थिंक 18,000 कि 17,000 कुछ ऐसे करके आई थी, जो फर्स्ट मेरी अर्निंग थी वो थोड़ी सी कम थी, क्योंकि मुझे खुद नहीं था पता कि कितनी अर्निंग होती है, मैं अपनी मतलब सबकी इतनी होती है, सबकी कम होती है, क्योंकि उस टाइम आपको होता पता नहीं आनी है नहीं आनी है, आप बड़ा अपना मतलब सेफ वो साइड रख के वीडियोज बना रहे थे, लेकिन माशाल्लाह से हाईएस्ट जो है वो मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। ये हो गए 3 सवाल, 3 सवाल हो गए, अब मैं 3 क्वेश्चन, मैं जितने हो सकते हैं मेरा दिल, अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। हाँ, मुकद्दस तुम जल्दी से बताओ कि तुम्हारे ना फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और उसके बाद तुम्हारा शादी का क्या प्लान? फ्यूचर प्लान्स इन अ सेंस ऑफ करियर, हाँ यू कैन से
ज़्यादा फ्यूचर प्लान यही है, यही है फ्यूचर प्लान. मुझे नहीं पता जो मेरे से हुआ, सबसे पहले मेडिकल होगा, हुआ बहुत अच्छा है, दूसरी बार करेंगे, नहीं खुदा ना खास्ता वो तो बहुत मुश्किल है, नहीं हुआ तो फिर मेरा दिल है या तो मैं उसमें कोई वर्कशॉप करूँ या फिर मैं कोई क्या नाम है किसी साइंस सब्जेक्ट में मास्टर करूँ, मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री में. शादी का कब तक प्लान है? आपने टेंशन नहीं लेनी, मेरे घर में एक इंतहाई देसी पाकिस्तानी अम्मा है जिनको बहुत टेंशन है इस चीज की. 4, 5, 6, 7 साल तक हो जाएगी. बिल्कुल परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना. चलिए अल्लाह खैर करे, बस खुश रहो बच्चे, खुश रहो. अच्छा मुकद्दस, किसकी कंपनी एंजॉय करते हो आप? मैं आपकी कंपनी एंजॉय करती हूँ. हाँ मुझे पता है, क्योंकि हम दोनों जब मेकअप कर रहे हो ना तो हमारा हम दिल करता है कि भाई हम मेकअप छोड़ के ना बातें शुरू करें, हम बातें करें, म्यूजिक लगाएं, खाना खाएं, डिस्कशन करें, ये हो गया वो हो गया. हम दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं. ठीक करते हैं. और दूसरा, जब मेरी मामा गुस्से में ना हो तब मैं उनकी कंपनी. मामाओं को ना अक्सर गुस्सा आया होता है, मतलब बहुत एंजॉय करती हूँ मैं भी दोस्तों की कंपनी, बहुत एंजॉय करती हूँ. ठीक ओके. अच्छा इसके बाद आप ना कैमरे के ऊपर इतनी बड़ी क्यों लगती है, एज की बड़ी क्यों लगती है और बच्ची बनने की कोशिश करती है? मसला ये है कि जब मैंने शुरू किया था आपके साथ तब मैं कोई थी कोई 14.5 साल की. ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो एज में एक बच्चा बच्चा ही होता है और तब से मैं अभी तक एक बच्ची हूँ. अभी तक मैं एडल्ट नहीं हूँ, मतलब अभी मैं 18 की नहीं हूँ, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा बच्चा बने दे. मैं अंदर से बहुत बच्ची हूँ. मुझे आज भी किसी ने कहा हुआ था कि आप मतलब देखने में लगता है कि बहुत मैच्योर लड़की है, लेकिन जब आप उससे बात करें तो वो एक प्रॉपर बच्ची है. मैं बच्ची ही हूँ, लेकिन फीचर्स का मुझे लगता है कि मुझे ना पहले भी ये किसी ने कहा हुआ, यूट्यूब से पहले भी जब मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे किसी ने कहा था कि ऐसे लगता है कि आप कॉलेज गोइंग है, हालांकि तब मैं कुछ 7 वेट भी बहुत ज्यादा था, वेट भी था, लेकिन मेरे फीचर्स कुछ ऐसे, नोज थोड़ी पॉइंटी सी, एंगल सी है, डक नोज सी है, उससे शायद आप लोगों को लगता है कि मेरी एज ज्यादा है. हम कहते हैं ये भी है कि हम जब मेकअप की लुक्स करते हैं, क्योंकि वो ब्राइडल होती है, हैवी मेकअप होता है, तो उसमें आप चाहे जितने भी कर लो ना तो थोड़ी ना वो लुक आनी शुरू हो जाती है. क्वेश्चन है कि आपको लॉन्ग हेयर पसंद है अपने या आप इन्हें शॉर्ट करवाएंगे इन फ्यूचर? मुझे अपने लॉन्ग हेयर पसंद है, लेकिन जो चीज आपके पास नहीं होती वो आपको सबसे ज्यादा पसंद होती है. मुझे कर्ली बाल बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मेरे अपने बाल बहुत स्ट्रेट हैं. छुट्टियों की वजह से कभी वेवी हो जाते हैं, अदरवाइज मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं. या फिर और मुझे छोटे बाल बहुत ज्यादा पसंद है. आपकी सोच है मुझे छोटे बाल कितने पसंद है. मैं किसी को देख लू ना किसी के छोटे बाल है, मैं भागती भागती आपके बाल बहुत अच्छे हैं, और वो फिर मुझे देखे कहते हैं मजाक कर रही है. और अब आपको पता चल गया होगा कि मुकद्दस के बाल पहले जैसे क्यों नहीं रहे, क्योंकि अब इसे छोटे बाल अच्छे लगते हैं तो ये अपने बालों की केयर इतनी नहीं करती. हालांकि पहले ये इतनी केयर करती थी कि जब मैं वीडियो के लिए भी इसका हेयर स्टाइल बनाती थी ना, तो हल्के से इसके अगर बाल मतलब वो ब्रश में मतलब उलझते थे ना, तो लिटरली ये बोलती थी हल्ला मेरे बाल टूट जाएंगे, ये हो जाएंगे. अब भी मतलब शी डैम केयर के क्या हो रहा है मेरे बालों के साथ, क्योंकि अब इसका ये है करना, मैं थोड़े बाल जो है वो शॉर्ट वाले जो है वो उस तरह मतलब स्टाइलिंग कराऊं या जिस तरह सब लड़कियों की होती है. ये वही वाली बात है कि जो चीज आप लोगों के पास नहीं होती ना, बस उसी को दिल करता है, उसी को दिल करता है. अब आप लोगों का देख के करता होगा कि इतने हेल्दी और लंबे बाल है तो हमारे ऐसे हो, तो इसका दिल करता है कि मतलब शॉर्ट हेयर. चलिए जी अब आपकी बारी, अब खत्म करो बस जल्दी से. आपसे सवाल है, मतलब आप लोगों का सवाल है, मैं करूंगी. आप मेकअप की वीडियोस क्यों नहीं बना रही आज? मेकअप की वीडियोस इसलिए नहीं कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं ऑनलाइन आप और जॉब करती हूँ, और उसकी तो टाइमिंग इतनी मतलब ज्यादा है, मैं इतनी मुश्किल से वीडियो आप बना पाती हूँ. आपको नहीं पता कि ये वीडियो हमने कितनी मुश्किल से आप लोगों के लिए शूट किया है, क्योंकि आप लोगों के साथ एक ऐसा कनेक्शन हो गया ना कि मेरा दिल करता है कि मैं मतलब वीडियोज बनाऊं और ये सारा करूं, लेकिन उसका टाइम नहीं निकलता, क्योंकि पहले मेरी ये जॉब थी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज बनाने की, अब मेरी एक अनदर जॉब है, तो उस वजह से वीडियोज कम आ रही है. लेकिन यह कि जिसकी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है या जो लुक मुझे अच्छी लगती है उसके करने का फिर मैं किसी ना किसी तरह टाइम निकाल. आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आप शाउट आउट क्यों नहीं देती? शाउट आउट इसलिए नहीं देती कि अब हर बंदे ने देखो चैनल बना लिया, और शाउट आउट की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट होती है, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट होती है, इवन कि मेरे रिलेटिव्स में इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है, फिर मैं अगर एक को दूं और दूसरे को ना दूं तो वो नाराज हो जाता है बहुत बड़ा. उसके बाद आपसे सवाल है कि आप अपना पार्लर क्यों नहीं बनाती?
पार्लर मैंने कहा ना कि मैं जॉब और कर रही हूँ, मैं वो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैं थंबनेल लगा देती हूँ, आप वो देख लें कि मैं क्या काम करती हूँ। मैं ऑनलाइन अपनी जॉब करती हूँ, मेरे पास खाने का टाइम नहीं होता, लिटरली मेरा खाना और चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो जाती है। मेरे हस्बैंड और जो मेरी है हेल्पर, वो बल्कि बोलते रहते हैं, हस्बैंड गुजरते हुए बोलते रहते हैं, खुदा के लिए चाय पी लो, खाना खा लो, सर में दर्द हो जाएगी, मतलब मेरी ये हालत होती है। तब उस सूरत में मैं मतलब कैसे पार्लर खोल सकती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है वो काम है जो मुझे अच्छा भी लगता है, वो काम है जो माशाल्लाह उसमें अर्निंग भी ज्यादा है, फिर मैं पार्लर की वो अभी पार्लर में भी जाहिर होती है, लेकिन जब तक मेरे बच्चे माशाल्लाह तीनों अपने किसी प्रोफेशन में नहीं लगते ना, क्योंकि अभी उनको टाइम की बड़ी सख्त जरूरत है। आज माशाल्लाह से शाम का लास्ट पेपर था, मुझे पता है कि पूरा महीना जो है उसको मतलब कि वो अच्छी तरह पढ़ ले, क्योंकि उसने साल के स्टार्ट में इतना पढ़ा पड़ी था, तुम्हें पता है कोरोना की वजह से किसी की मतलब बच्चे बिल्कुल वो अपना इंटरेस्ट ही खो चुके थे, तो उसका तो बिल्कुल ही नहीं रहा था। लेवल ये था कि हमारे टीचर्स इस बात को समझ चुके थे, टीचर्स और लाइक हमें पता है आपने नहीं पढ़ा, तो उसने जो उसके मतलब लास्ट जो थे ग्रेड्स भी कॉलेज के जो है वो इतने अच्छे नहीं थे, तो अभी जाहिर है उसके ए लेवल का फाइनल था, कैम्ब्रिज का एग्जाम था, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह करे कि वो लेकिन पेपर से वो बहुत अच्छा आज उसका लास्ट पेपर था। तो वो जब तक किसी तरफ नहीं लगते, मुझे पता है कि अब उनको मेरी सख्त जरूरत है, अगर मैं खुद को बिजी कर लूंगी तो फिर उनको टाइम कौन देगा, तो उस वजह से। अच्छा अगला सवाल है दाई पर्सनल, किया क्यों है मुझे ये समझ नहीं आ रही आप लोगों ने। और मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था मतलब 50% से कम जो थे वो दूसरे क्वेश्चन थे, ये एक क्वेश्चन सबने ज्यादा पूछा जाता है, कमेंट्स में भी ज्यादा आप लोग कहते हैं। मैं अपनी दोस्त से पूछने से पहले ना ये 3 दफा सोचूंगी मैं क्या पूछूं। आप अपने बच्चों की शादी कब करेंगी? कब करूंगी इंशाल्लाह ताला, जब अल्लाह ने चाह। सबसे पहले माशाल्लाह तीनों अर्निंग तो अभी भी करते हैं, ऑनलाइन अपना काम करते हैं माशाल्लाह से, उमैर मेडिकल कर रहा है, उजैर तो टोटल बिजनेस में अब चला गया है, और अल्लाह का शुक्र है शाम का आज लास्ट पेपर था, वो भी साथ अपना ऑनलाइन काम करता है, अब उसका कल से स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन माशाल्लाह अर्निंग उनकी अच्छी है, अभी भी वो अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकता है, लेकिन मसला यह है कि मुझे अभी उतने मैच्योर नहीं लगते, बट अब मेरी नजर में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं छुपा रही, मैं देख रही हूँ अल्लाह खैर करे, मुझे जब भी मतलब उनका लगता है कि मेरे बच्चों की तबीयत कैसी है, मुझे कोई मतलब वो कहते हैं ना नजर आया तो इंशाल्लाह ताला फिर, लेकिन अभी शादी का इतनी जल्दी नहीं है। इसका जॉब होना चाहिए 4 साल 3 महीने 2 दिन 1 मिनट बाद, क्योंकि हमें तो प्रॉपर टाइम पता है, ये क्या बात है, जब करनी हुई कर देंगे। और अगला सवाल ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड है लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अच्छा हाँ मुझे पता है, मैं देख रही हूँ, कुछ सवाल तो मेरे सामने ही है। ट्विस्ट ये है कि आपने अगर अपने बच्चों की शादी की तो आप फैमिली में करेंगी? हाँ कुछ अर्सा पहले मैं ये सोचती थी, इंसान की ना टाइम टाइम के साथ और तजर्बे और जिंदगी जो है ना इंसान को नए सबक जो है ना वो देती रहती है, जिस तरह मैं पहले सोचती थी कि बच्चों की शादियां करनी है तो ये नहीं करना, तो वरल छोड़े मैं पहले ये कहती थी कि नहीं फैमिली में करनी है, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला जहां भी अल्लाह ने उनकी जोड़ियां अच्छी बनाई होंगी या उस टाइम के ऊपर जो मतलब होगा तो अल्लाह खैर करे, कोई ऐसे फैमिली में या वो नहीं है आउट ऑफ फैमिली भी हुआ तो इंशाल्लाह ताला। अब सवालात हो गए हैं खत्म, शुक्र है, चलें क्लैपिंग ये। और आई थिंक आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिल गए होंगे, काफी दिनों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, आप कमेंट्स में भी आकर ये वाली चीजें पूछते थे, चले। और मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोग कैसी और वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि मेकअप से रिलेटेड ना हो, क्योंकि मैडम के आगे जो है वो पहले प्री बोर्ड है, उसके बाद बोर्ड है, और मैं अगले महीने के आखिर में के बाद फारिग होंगी। तो अब आप खुद सुन ले, इसलिए मेकअप की वीडियोस नहीं आती क्योंकि मैं खुद बिजी होती हूँ, फिर जब मैं फ्री होती हूँ वो मुकद्दस की स्टडीज का टाइम होता है, तो फिर माशाल्लाह वो अपनी स्टडीज में मेरा यह है कि अल्लाह खैर करे ये आगे जाए। अब यूट्यूब को आखिरी तो नहीं है ना, माशाल्लाह उससे भी अर्निंग अच्छी है, लेकिन अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ पढ़े, कुछ ना हाँ बेस जब तक नहीं ना बनेगी अच्छा पढ़ोगे नहीं आगे, अच्छा ये सारी चीजें तो देखो टाइम के साथ इंसान कर ही लेता है, तो मैं माशाल्लाह से वैसे और जॉब करती हूँ तो, लेकिन फिर भी कोई आसान वीडियो, मुझे पता है आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे उससे रिलेटेड जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। और दूसरा आप लोगों ने इस बात को ख्याल में रखना है कि आइंदा आप जब भी कमेंट करें तो वो थोड़ा कंसिडर करके करें, कभी कभी हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये मैच्योरिटी दिखाता है एक इंसान की। लेकिन मुझे ऐसे भी लगता है, नहीं नहीं मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो फैंस होते हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं,
वो आपसे ये पूछना चाहते हैं, उनका दिल करता है तो वो पूछ लेते हैं, इट्स ओके. मैंने कभी इस बारे में माइंड नहीं किया जो उनका दिल करता है. नो आई एम नॉट माइंडिंग अबाउट क्वेश्चंस लाइक द फैक्ट कि आपके हाथ इतने काले क्यों हैं एंड व्हाई आर यू सो डार्क. अब ये सच्ची बात है, मैं इस बात को मानती हूँ कि आप सब में सबसे डार्क में हूँ, सब में अकेली मैं आपको नजर आऊंगी दो तीन शेड काली. लेकिन कोई शेड शूट काली नहीं है, आप यकीन करें. इसका माशाल्लाह कलर जो है ये देखिए मेरे हाथ के साथ, ये देखिए अभी हमने हाथों पे कुछ भी नहीं लगाया. लेकिन मैडम का अब ये जो हाथ है ना, ये या बाबा के साथ जब बाइक के ऊपर आएगी ना, तो ऐसे हाथ तो वो ज्यादा टाइम 12 बजे वाली धूप होती है. जब रिक्शे पे भी आते हैं तो आप लोगों को पता है कि हर तरफ से धूप आ रही थी, तो वो मतलब माशाल्लाह कलर इसका बहुत अच्छा है, एमी लगी हुई है. तो वो ज्यादा जब कॉलेज में आप लोग होते हो ना, इस टाइम पीरियड में थोड़े लड़के लड़कियां बच्चे जितने होते हैं, मम्मी कहती है कि इस उम्र जो बच्चे जरा चिगले हुए होते हैं, फिर जब अपना आप शाम जाते हैं तो फिर माशाल्लाह से. हाँ अम्मी अम्मा ये वर्ड आइसक्रीम के लिए यूज करती हैं, और वो ऐसे वो फीलिंग आती है. लेकिन मैं अपनी अम्मा का वर्ड कह रही हूँ ना, वो तो तुम्हारी अम्मा का होगा ना. मेरी अम्मा कहती थी कि इस उम्र में बच्चे थोड़े जे होते ने, फिर जो तो अपना आप साम जाते हैं ना, मतलब कॉलेज तो फारिग होया, कुड़िया अपना आप साम देंदियां, तो फिर बड़ी सोहनी शक्ल काट लेंदे ने. तो कुड़िया तो मुंडिया जिहड़ियां शक्लां होंदियां ना, वो कॉलेज तो फारिग होने तो बाद पता चलती. चलो भाई, हम मुझे लगता है हम क्यामत के बाद ही कॉलेज से फारिग होंगे. हमने कॉलेज हमें ऐसे पकड़े हुए, हम कॉलेज को पकड़े हुए. जो भी है, आप लोगों ने जरूर इस बात का ख्याल रखना है कि आप क्या बात पूछ रहे हैं. आप अगले कोई नहीं आपका जो दिल करे आप पूछ लिया करें, हम देख लिया करेंगे कि आपने किस चीज का जवाब देना. वो हमारे व्यूवर्स है, और तुम्हें पता मुझे अपने फैंस माशाल्लाह मैं तो लाडले प्यारे व्यूवर्स. मेरे भी लाडले, मेरे 1.3 मिलियन जो है ना, मेरे बहुत लाडले हैं. हाँ जी, मुझे तो बड़े प्यारे. मैं इनकी लाडली. चले जी आयो, छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं, काफी ज्यादा लंबी होगी. काफी ज्यादा लंबी होगी, मुझे लगता है हमें आखिरी वाला पार्ट काटना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, हम सारा अपलोड कर देंगे, जिसने देखना वो देखे, जिसने नहीं देखना वो बिल्कुल इसे स्किप कर दे. आई होप कि आप लोगों ने वीडियो लाइक और शेयर जरूर करनी है, और हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. क्योंकि नेक्स्ट भी ना इंशाल्लाह ताला मुकद्दस के टेस्ट है, लेकिन 2-3 दिन तक इसने मुझे टाइम दिया है. मैंने छोटी सी वीडियो बनानी है, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वो थोड़ा सा सीक्रेट है. लेकिन वो बड़ी जबरदस्त सी, बड़ी यूजफुल वीडियो होने वाली है. मैं बताऊंगी तुम्हें बाद में, बताती हूँ. मुझे भी नहीं पता. चले जी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. ऑपोजिट हैंड से अल्लाह हाफिज़.